अभी तक आप लोगों ने ही फिल्म हिट करवाई है हमारी, इससे पहले भी कोई भी प्यार का पंचनामा सब लोगों ने देखी है। सोनू लास्ट आप लोगों ने बहुत प्यार, मैं यहाँ पे आया था सोनू के टाइम पे, लोगों इतनी ज्यादा एनर्जी दिखाई थी, सीरियसली पति पत्नी और वो में भी बहुत जोर से एनर्जी दिखाने वाले हो ना आप लोग, सब पक्का जाने वाले हो 6 दिसंबर को फर्स्ट डे शो। कार्तिक भाई, वी हैव सम कंपटीशन फॉर यू। क्यों? सम कंपटीशन फॉर यू फॉर प्यार का पंचनामा, आपने मेंशन किया ना, तो कंपटीशन है हमारे पास। कौन है? हाँ हमारे पास ये ना, पिछले 5 दिन से प्रैक्टिस करे जा रहा है। पूरा डायलॉग तो नहीं बोलोगे? कितना बोलोगे? पूरा नहीं, थोड़ा बहुत बोलूंगा। थोड़ा बहुत बहुत है उसका। आ जाओ मुन। हाँ चलो पहुंचो। नहीं करण, ओके करण सर। अरे ही विल स्पीक, अभी बहुत ज्यादा ही। करण वर्सेस कार्तिक है ये। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं मेरे को काफी टाइम हो डायलॉग बोले हुए। बट मैं पूछूं, सवाल पूछूं? पूछो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की के लाइफ में एक उम्र आती है। एक सेकंड, ये क्या हुआ? डबिंग। मेरी एग्जाम थी 12:30 को। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, पर अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की के लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक रॉबर्ट और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब इतना सब कुछ तो लड़की अफोर्ड कर नहीं सकती, तो लड़कियाँ ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्रायल पर रखती है, काम पर रखती है, काम अच्छा लगा, नौकरी परमानेंट, शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अरे नौकरी जाने का पेपर वो खत्म नहीं होता कि लड़की का है, ऑफिस वाले इतने जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितने जल्दी तलाक मांगते। बेसिकली अगर एक भी बार लड़की को पर्स में डाला पड़ेगा, मान लो लड़की गायब, पर्स में तो इनके मिस्टर इंडिया वाली खड़ी रहती है, साला हाथ डालो गायब। अगर बिल भर रहा है so much Ananya, Karthik and Bhumi, we love you. Please give them a huge round of applause everybody.